हाय गाइज, गुड इवनिंग। गाइज गुड इवनिंग। तो गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं एक लाइव रिकॉर्डिंग लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने एक टाइटन में पोजीशन लिया है, शॉर्ट पोजीशन। पहले मैं इसको बाय किया था, इस एरिया में बाय किया था। आपको दिखा देता हूँ, इस एरिया में बाय किया था, चला नहीं। फिर जैसे ही यहाँ पे आ गया तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया और बाइंग का स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, और ये जो स्टॉप लॉस मैं 926 में शॉर्ट किया है, और ये मेरा 928 मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो टारगेट मेरा अभी 908 है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जनरली हमारा ट्रेड इतना तक नहीं रहता है। मैं आज थोड़ा मार्केट में लेट आया। तो बाकी मेरा जो हमारा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी लोग, सब सारे लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। उन लोगों ने, कहीं लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए थे। मैं, हमारा टारगेट ये था, लेकिन अगर कोई बुक कर लिया है तो यहाँ पे बुक कर लिया होगा। लेकिन मैंने क्या किया, अभी रुका, क्योंकि मेरे लिए एक ही स्टॉक था, बाकी सारा स्टॉक ऑलरेडी भाग चुके थे। तो मेरे लिए मौका नहीं मिला ट्रेडिंग करने के लिए। मैं थोड़ा सा लेट आया था मार्केट में आज। ठीक है, अभी देखिए ये कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने कितना पोजिशन लिया यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने पोजिशन लिया है टाइटन में। पहले बाय किया था, इसमें बोला 2000 रुपये लॉस बुक किया। क्या क्या स्टॉक्स आए थे दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ स्टॉक आए थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिटानिया, कम्युनिटी ने, टाइटन, ये सारे स्टॉक आए थे। सारे स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है। हमारा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी लोग, सारे पैसा कमाए हैं। मैं उनका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये सारे स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है। टाइटन में ही नहीं हुआ था, टाइटन बचा हुआ था और मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए था। ठीक है, तो टाइटन में ना टारगेट हुआ था ना स्टॉप लॉस हुआ था, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखिए 922.2 है अभी मेरे को। क्या है, 2000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ। मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 26 में शॉर्ट किया। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट में दिखोगे ना, इस एरिया में देखिए 926 को मैंने शॉर्ट किया, तो जाने के लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि मेरा अभी 2000 रुपये लॉस है। अभी देखिए, अभी नीचे आ रहा है, 2000 रुपये लॉस है। और ये देखिए, बहुत सारा कीड़ाकंडी मैंने किया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, थोड़ा मैं बाय किया, बाद में सेल कर दिया गलती से। मतलब कि आज पता नहीं कुछ काम नहीं कर रहा ये सब चीजें, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कन्फ्यूजन में। तो बाद में सारे ऑर्डर डिलीट किया और एक MIS ऑर्डर मारा। ठीक है, तो बेसिकली यही सिचुएशन है। ठीक है, अभी क्या है, चीज दिखाता हूँ। देखिए अभी नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए नीचे आ रहा है। ये 908.4 मेरा टारगेट है। देखिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ 2600 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं वेट करूंगा। उसी बीच में क्या देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैं गॉड फादर देख रहा हूँ अभी। यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर ये मूवी है, कैसे गैंगस्टर कैसे लोगों को मनाता है, कैसे उसका बात करने का तरीका, कैसे उसका स्टाइल, ये सारे चीज सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ अमेजन प्राइम पर। जनरली 1 बजे तक मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अभी आज थोड़ा टाइम मिला तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जनरली हमारा मूवमेंट सारा मॉर्निंग में ही हो जाता है। आप ये सारे स्टॉक को देखना जाके, किस तरीके से सुबह सुबह भागे थे, कमिंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिटानिया, ये सब भागे थे। टाइटन खाली बच गया था और मेरे लिए शायद ये ट्रेडिंग करने के लिए बच गया था। ठीक है, बोलते बोलते देखिए टाइटन कहाँ है, मैं आपको बता रहा था ना। देखिए टाइटन कहाँ है अब। ठीक है, ये होता है। चलिए, मैं आज लाइव रिकॉर्डिंग किया था, आप देखने के लिए मौका मिल गया। देखिए, और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा बहुत अच्छा खासा, कुछ 8000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मेरा टारगेट और भी नीचे है। मैं बिल्कुल भी हार्ड बॉडी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आया हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे 916 तक गया था। ठीक है, ये और नीचे जाएगा। ठीक है, ये और नीचे जाएगा और ये टारगेट है, इसको हिट करके आएगा। ठीक है, चीजें क्या है कि आप मार्केट में वो देखना चाहिए जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। आप खाली आके इधर कोई इंडिकेटर लगा के कीड़ाकंडी करोगे ना, कुछ हाथ में बचने वाला नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर वगैरह क्या है, आपको थोड़ा सा फिल्टर होकर स्टॉक्स देंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हेड एंड शोल्डर ट्रेंड लाइन ऐसा सीखोगे तो भी फंसोगे। ठीक है, देखिए देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, आप जब ट्रेडिंग करोगे काम नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान देखिए। अभी एक आप अभी मैं अभी एक चीज लर्निंग लेते हैं। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग तो चल रहा है, मैं आपको एक लर्निंग देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, क्या होगा अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे होते, क्योंकि आपका सपोर्ट भी यहाँ पे
सपोर्ट भी दिख रहा है ना, इस हाई के ऊपर गया, अभी आपको मालूम हो रहा है कि क्लोज दे दिया, फिर ऊपर देखो नीचे आ गया। अभी मैं ये मार्केट होने के बाद आपको मालूम चला गया कि देखो ट्रेड लाइन सपोर्ट लेके ऊपर गया कि नीचे गया, लेकिन अभी मार्केट के दौरान आपका डिसीजन रहेगा नहीं है, ये सपोर्ट लिया और यहाँ पे और ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, फिर क्लोज दे दिया फिर नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है कि फिर ऊपर चला जाए। तो ये जो सारी ट्रेडिशनल चीजें ना, मैं बहुत सारा फॉलो करने की कोशिश किया, जो पुराने बुक्स किताबें में पढ़ा, तो ये सब ने यही सब चीजें बताए थे, इसलिए मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में एक डेढ़ साल मेरा इसी में ही गुजर गया कि ये सब पढ़ पढ़ के, लेकिन इतना होता नहीं है कुछ ज्यादा दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए टाइटल में मैंने शॉर्ट किया है, तो ये थोड़ा नीचे आया था यहां तक, फिर ऊपर चला गया, लेकिन मेरा टारगेट यहां है, तो मैं इतना जल्दी बुक नहीं करूंगा। हाँ, एक दो रुपया अगर होता है तो मैं बुक कर लेता, लेकिन ये बहुत ऊपर है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। ये 1:7 का रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, एडिशनल 2000 रुपये का रिस्क लिया था, 12-15 हजार का प्रॉफिट है, ठीक है, टारगेट है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैं वीडियो को अभी थोड़ा पॉज करता हूं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग में आपको एक चीज, जब आप ट्रेडिंग लेते हो स्टॉप लॉस जब होता है, राइट, जब स्टॉप लॉस होता है वेट करते हो ना स्टॉप लॉस तक, एक साउंड होता है टक, मन में आता है अरे साला स्टॉप लॉस उड़ गया, ऐसा लगता है ना, तो वैसा आप टारगेट को भी फील करवाओ, अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करो, मतलब कि क्या है, जैसे कि टारगेट तक वेट करो, हो सकता है आपके टारगेट से थोड़ा कम में टारगेट रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको फील होने दो कि हाँ यार मैं प्रॉफिट बुक करता हूं और ऐसा बुक करता हूं मेरा टारगेट हिट होता है, आपका माइंड में ये मैसेज आता है कि तुम्हारा सेटअप वगैरह भी काम करता है, खाली स्टॉप लॉस नहीं होता। और एक और चीज मैं क्या करता हूं, जब भी मैं ऑर्डर डालता हूं ना, जैसे कि ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, तो मैंने इसको बाय कर दिया, फिर सेल किया, जो भी कर दिया, लेकिन सबसे पहले मैं लगाता हूं टारगेट, ठीक है। जनरली ब्रैकेट ऑर्डर में जो हम लगाते हैं ब्रैकेट, जैसे कि मैं अगर ब्रैकेट ऑर्डर ओपन करूं यहां पे, ये यहां पे ओपन नहीं हो रहा है, ओके यहां पे ओपन हो गया, तो मैं क्वांटिटी लिखा, यहां पे लिख दिया टारगेट, मैं पहली एंट्री करूंगा, बाद में स्टॉप लॉस एंट्री करता हूं, क्योंकि ऑर्डर तो जाएंगे एक साथ, लेकिन मैं टारगेट, क्योंकि मैं इधर स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं आया, टारगेट लेने के लिए आया हूं, ठीक है। एक और चीज क्या है, टाइटन में जैसे कि अगर आपने MIS में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही लिया तो तुरंत भाग जाएगा कहीं पे अमेरिका, ऐसा नहीं होता, राइट, तो 1-2 सेकंड तो टाइम बचता है, लेकिन फिर भी मैं टारगेट लगाता हूं पहले, स्टॉप लॉस लगाता हूं बाद में, ये मेरा आदत है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए, ना कि किसी को देने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरा, मतलब कि ऐसा मेरा सोच है, ठीक है, और हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मैं जनरली लाइव ट्रेडिंग नहीं करता हूं, क्योंकि सुबह सुबह हम ट्रेडिंग करने के टाइम पे ये सब चीजें देखना बहुत ही ये सब बोलना वो काम करना, क्योंकि हजार हजार रुपया में रिस्क लेके करते हैं, तो ये वीडियो के लिए मैं इतना रिस्क लेके नहीं कर सकता, अभी मेरे पास वक्त था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जनरली देखिए ये जो प्रीवियस का जो बना था 16 तक, अभी ये देखो ब्रेक हो रहा है, अभी वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, जो हमारा जो स्टॉप लॉस था देखिए एग्जैक्टली उससे ऊपर तक गया और वहां से रिवर्स हो गया, ठीक है। मैं इसी एरिया में आपको दिखा दूं टाइमिंग, इसी एरिया में मैंने शॉर्ट किया, जैसे ही स्टॉप लॉस के नीचे आ गया यहां पे मैंने शॉर्ट किया, अब ये नीचे जा रहा है 15 तक आ गया, तो मैं कुछ अच्छा खासा देखो 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं, यहां पे 11,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा, लेकिन ठीक है मैं वेट करूंगा, मेरा यहां पे 8 तक, मेरा अगर 10 तक भी आए तो फिर मैं बुक करूंगा, अभी मेरा कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है यहां पे प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है, ये आएगा, इसको वक्त दीजिए। ओके, तो थोड़ा पॉज करता हूं वीडियो को। दोस्तों एक और चीज आपको बतानी थी, देखिए टाइटन पे यहां पे लो दिख रहा है कितना 914.25, लेकिन ये डेफिनेटली टाइटन का अगर यहां पे लो देखोगे 911.80, यानी कि 911.80 मतलब क्या है, यहां पे भी कुछ लोग अगर बाई किए होंगे तो स्टॉप लॉस लगाए होंगे, ये इसको खाने के लिए आएगा 911.80, ओके 911.80 कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा, और यहां पे अगर ब्रेक करेगा तो अग्रेसिवली और नीचे जा सकता है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये थोड़ा रिट्रेस ले लिया, लेकिन मैं वेट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गैप है, मैं इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ओके, कि अब ये नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे सतर्क होकर अभी देखना है मार्केट को, थोड़ा सा इस टाइम पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे पैसा बनेगा, ठीक है, आपका पैसा बनेगा इस टाइम पे। यहां पे देखिए जैसे ये ब्रेक हो जाएगा ना, धड़ाधड़ नीचे जाएगा, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा देखिए, ये 77752 है, ये 62
ओके, ये देखिए ब्रेक हो गया, अभी देखिए नीचे जाएगा बड़े आराम से। ये देखिए 14 हो गया, ठीक है 13 हो गया। ऐसा ऐसा काम करना है आपको, ठीक है। अभी मेरे पास अच्छा प्रॉफिट है, मैं क्या करूंगा यहां पे ऑर्डर में जाके लिमिट में जाऊंगा, मार्केट में करूंगा 400 क्वांटिटी बुक करता हूं, देखिए ठीक है 400 क्वांटिटी यहां पे मैंने बुक कर लिया। देखो दिखाता हूं आपको, 9:12 हो गया है, ठीक है अभी देखो 9:12 हो गया है। अभी 600 क्वांटिटी है, ठीक है अभी मेरा ऑर्डर वगैरह किधर है, कितना हुआ 9:12 हो गया, ठीक है। मैं अभी एक काम करता हूं, इसको यहां पे मैं 600 का रखूंगा स्टॉप लॉस मार्केट यहां पे, ओके गाइस। तो मेरे पास 600 क्वांटिटी है, तो मैं इसका स्क्वायर अप करता हूं इसको, और यहां पे मैं यहां पे देखिए इसको ध्यान, इस स्टॉप लॉस मार्केट यानी कि मैं स्टॉप लॉस लगाया हूं, और यहां पे मैं टारगेट लगाऊंगा। टारगेट कैसे लगाऊंगा इसको यहां पे दिखाता हूं टारगेट कैसे लगाएंगे। यहां पे इसको जाओ क्लिक करो, इधर क्या हो गया, टारगेट कैसे लगाएंगे इसको इधर, ठीक है अभी देखिए इसको मैं टारगेट लगा, हाँ यहां पे आ गया। अभी देखो टारगेट लगाता हूं, टारगेट मेरा 909 है, 909 है 600 क्वांटिटी के लिए, लिमिट में लगा दिया बाय। ये ध्यान से रख के करना होता है आपको, देखिए ये फिर से नीचे आ रहा है, ये आएगा नीचे, देखिए मैं बोला था ना 11.8, अभी देखिए 11.8 को टच नहीं किया, ये 12 है, तो इसका मतलब क्या है और भी इसमें स्टैमिना बचा हुआ है और भी नीचे आएगा, ठीक है। ये लाइव रिकॉर्डिंग आपके सामने है, जब यहां पे प्राइस था मैं आपको सेल करने के लिए बोला था, मतलब कि सेल कर रहा हूं करके आपको बोला था, तो आप ये सामने देख रहे हो सारे, ठीक है अभी ये नीचे आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पे थोड़ा और बुक कर लूं, लेकिन अभी देखता हूं अगर मोमेंटम अगर ये टूट जाएगा, देखो ये 13 वाला अगर मोमेंटम कटा तो और भी अग्रेसिवली प्राइस जाएगा 13 वाला, 13 का जो यहां पे 2,300 का यहां पे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूं और 100 यहां पे बुक कर लेता हूं, स्क्वायर अप करता हूं यहां पे 100 लिखता हूं, ठीक है थोड़ा सा पार्सल बुक कर लेता हूं, मार्केट में बुक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में बुक कर लेंगे, ओके ठीक है। अब मेरे पास प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा तो रिफ्रेश कर देते हैं, और यहां पे एक और चीज दिखाता हूं। अभी देखिए मेरा 600 का पोजीशन अभी 500 हो गया, तो मैं यहां पे 500 का कर दूंगा, नहीं तो मेरा एडिशनल फिर बाय हो जाएगा वहां पे, तो मैं थोड़ा सा वेट कराऊंगा। यहां पे देखिए 500 कर दिया और इसको भी 500 कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यान में इनो रख के करना होता है सारे पोजीशन चेंजिंग, अलाई स्लो में थोड़ा सा इशू है, आपको ध्यान रख के करना है नहीं तो गड़बड़ी हो जाता है यहां पे, ठीक है। ये 500 कर दिया, उसी तरीके से स्टॉप लॉस को भी 500 करूंगा। एमआईएस में यही बेनिफिट है कि आप पार्शियली बुक करते जाओगे, आपका ट्रेडिंग के हिसाब से जब आएगा। देखिए ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है, यही स्टॉक आया था सुबह, और देखिए यही स्टॉक, देखिए सारे स्टॉक मूवमेंट दे दिए, मैं आपको सारे स्टॉक दिखाता हूं। अभी टाइटन देखिए 12 पे आ गया, तो मैं अभी वेट करवाऊंगा, बाकी को डिलीट कर देता हूं, बाकी का दिखाता हूं ब्रिटानिया। ये देखिए ब्रिटानिया सुबह किस तरीके से मूवमेंट, हमारा जो ट्रेडर लोग है इस मूवमेंट को कैच किए थे और कमिंस को सेल किया गया था, तो मैं उनका कुछ स्क्रीनशॉट अगर कोई लिया है तो बताऊंगा। देखिए यहां से ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट स्क्रीन, ये पूरा मूवमेंट हमने पाए थे, ठीक है मैंने नहीं कर पाया था। देखो 11 हो गया, अभी देखो 11 हो गया है, अभी मेरा देखिए अभी 11 हो गया, तो मैं क्या करूंगा अभी एक और 100 क्वांटिटी यहां पे स्क्वायर अप करता हूं, 100 क्वांटिटी मार्केट में स्क्वायर अप करता हूं। देखो तो मैं फिर से नीचे की तरफ से 400 लगा दूंगा यहां, अभी देखिए 500 है ना, मैं अभी 400 लगा देता हूं। पहले मैं टारगेट को चेंज करता हूं, टारगेट को यहां पे 400 कर देता हूं, नहीं तो मेरा एडिशनल बाय हो जाएगा। जितना नीचे जाएगा मैं एक थोड़ा सा बुक करते जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी ज्यादा रिस्क नहीं लेना नहीं चाहता हूं, अभी मेरा 2 पॉइंट बाकी है, तो बुद्धिमान यही होगा कि बुक कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल 11,000 का प्रॉफिट हो चुका है मेरा, तो ठीक है काम करते हैं, थोड़ा और भी बुक कर लेते हैं। 912 हो गया, ठीक है मैं और भी अग्रेसिव थोड़ा बुक करता हूं, 200 क्वांटिटी मार्केट में निकाल देता हूं, अब 200 क्वांटिटी मैं रखूंगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट से बुक कर लिया, तो ये हो जाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी 200 बचा है, टाइटन में प्रॉफिट बुक कर लिया है और 200 क्वांटिटी सिर्फ रखा हूं, 13,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरा, ठीक है।
अभी टारगेट मेरा क्योंकि नीचे है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ठीक है। अभी मेरा लॉन्च टाइम हो गया तो मैं टारगेट वापस इन्होंने लगा दिया हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम काम मॉर्निंग में हो जाता है और मैं मॉर्निंग में आज नहीं था अवेलेबल, सुबह 9:30 में आया तो बाकी सारा कार्यक्रम हो गया था, अभी इसका बाकी था तो मैंने इसमें इन्होंने ट्रेड ले लिया है। अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था तो 10,000 रुपया प्रॉफिट। ये एक छोटा सा डेमो था आपके लिए मैं किस तरीके से काम कर। देखिए आपको मेहनत करना है दोस्तों, और जिंदगी में अभी कभी महसूस हुआ ना कि यार स्टॉक मार्केट में इंट्राडे प्रॉफिट बन ही नहीं सकता, तब मुझे फोन करना। जो लोग तो सीखना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जिसका घमंड है कि मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, और आपको अगर लगा कि मार्केट में कुछ भी कर रहे हो पैसा नहीं बन सकता, मुझे कॉल करना, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। ओके गाइज, तो देखिए 12.5 हो गया, जैसे कि मैं बोला था अग्रेसिवली ऊपर गया फिर नीचे चला गया, अभी ये टारगेट है मेरा तो मैं टारगेट में बुक करूंगा। बाकी अभी देखिए खाने के लिए जाऊंगी कि नहीं, अभी 1:30 हो रहा है, मैं खाने के लिए जाऊंगी नहीं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, अगर टारगेट हिट हो जाएगा दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। अभी पॉज करता हूँ वीडियो। ओके गाइज, जैसे कि मैं आपको बोला था ये मैं टारगेट है, देखिए एकदम प्यार से टारगेट को दे दिया, अभी देखिए वापस जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग गाइज, ठीक है। ओके गाइज, देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को देख कर अभी ऊपर जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर का पैसा यहाँ पे बुक होता है, तो आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट हम ही लोग चलाते हैं, लोग ही चलाते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, सब जीरो हो गया। अब यहां पे जो रिवर्सल ऑर्डर था स्टॉप लॉस का मैं डिले कर देता हूं, ठीक है, ये डिलीट हो गया है। अभी इसको मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश कर देता हूं, मेक श्योर देर इज नो पेंडिंग ऑर्डर, ये आपको ध्यान रख के करना है, ठीक। अभी मेरा 12,000 का प्रॉफिट हो गया, ये आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।